बहुत काम किया। और मैंने शोएब मंसूर से भी कोशिश की टेलीफोन पर रब्ता करने की, मगर शोएब मंसूर कहते हैं वो फोन पे आते नहीं है। फौजिया, आपने भी इस फिल्म के हवाले से काफी सपोर्ट की इस फिल्म के कैरेक्टर्स को, किरदार को, और आपके पास भी काफी मालूमात हैं। ये जो मैंने कुछ देर पहले ही कुछ चीजें बयान की हैं, इसमें क्या आप समझती हैं कि ये फिल्म सियासत का शिकार हो गई या इस फिल्म में सियासत के खिलाफ नफरत उभारने की कोशिश की गई है? देखिए, मैं तो 30 साल तकरीबन इस इशू पे काम करती रही हूँ। मेरी तरह बहुत सी खवातीन हैं जो इन घिनौने इश्यूज पे काम करती रही, जो जिसको कहते हैं। हमारे ख्याल में ये फिल्म जो है ये बेहतरीन एग्जाम्पल होगी जिसमें औरत का दर्द, जो इश्यूज उसके सामने आते हैं, जो सिस्टम के गैप्स हैं वो नजर आते हैं। मैं समझती हूँ ये सोसाइटी जो है, अभी दिया खान का केस हुआ है जहाँ एक औरत को स्ट्रिप करके और घुमाया गया है, तो मैं समझती हूँ इस तरह के जराइम जो है वो हैं जो सोसाइटी में नफरत फैलाते हैं और काम खराब करते हैं। जब इनको एड्रेस किया जाए, जब आप इस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करें, वरना अभी तक तो जो फिल्मों में रेप सीन आते हैं वो चस्के लेने के लिए आते रहे। ये पहली फिल्म ऐसे बन रही है जो उस औरत का एक पर्सपेक्टिव बता रही है, उसकी मुश्किलें, जो उस पर तोहमतें हैं, जो औरत के ऊपर तजलील होती है, मुजरिम के ऊपर नहीं विक्टिम के ऊपर होती है, उसके पेरेंट्स उसे कैसे डील करते हैं, हमसाए कैसे डील करते हैं, सिस्टम कैसे डील करता है, वो दर्द औरत का ही है।